और सिरसा के कंगनपुर रोड स्थित श्री बाबा बालकनाथ मंदिर का 24वां स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान बाबा बालकनाथ मंदिर के गुरु तरसेम जी और भगत सुरेश जी की ओर से गोविंद कांडा का स्वागत हुआ। मंदिर के श्रद्धालुओं द्वारा भगवान कृष्ण, भगवान भोलेनाथ और बाबा बालकनाथ पर आधारित नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत की गई। इस मौके पर गोविंद कांडा जी ने आयोजित समिति को अपनी ओर से 21,000 रुपए का अनुदान भी दिया। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से ही भाई गोपाल कांडा जी 2009 में एमएलए बने, बाबा जी के आशीर्वाद से वो शिक्षा में गृह मंत्री बने, आज भी आपके आशीर्वाद से विधायक हैं। हम कोई राजनीति करने वाले नेता नहीं है, मैं तो एक समाज सेवी हूँ, आपका भाई हूँ, सिर्फ एक सेवादार हूँ। मुझे कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। राजनीति करने वाले तो सभी को पता है, हमारे पूजनीय गुरु जी को भी पता होगा कि वो राजनीति अपने लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं। कोई गंदे काम करते हैं, फी भी करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई नशा भी करते हैं, किसी को अंदर करते हैं, किसी को बाहर करते हैं। ये भाई गोपाल कांडा, गोविंद कांडा का काम है सिर्फ सेवा। हम सेवा के लिए काम करते हैं कि राजनीति में रहकर मैं मेरे शिक्षा की सेवा कर सकता हूँ। अभी बाबा जी से बात हो रही थी कि आप लंगर कहाँ खाएंगे, मैं कहा मैं बाबा जी लंगर में ही बैठ के लंगर खाऊंगा, क्योंकि मुझे आज बाबा जी 22 साल हो गए हैं। बाबा तारा जी के पास, उनके आशीर्वाद से मैंने 22 साल से घर का खाना नहीं खाया, मैं लंगर ही खाता हूँ। कहीं आस पास में है यही बाबा जी के, पर मैं उस प्लाट को अभी तक मैंने हमने कुछ नहीं किया, 20 साल हो गए, पर मैं उस प्लाट के अंदर आपके लिए, इस मोहल्ले के लिए एक धर्मशाला बनाकर खड़ी करूंगा। तो आपके काम आए,